साथियों, हम आपके बीच छोटी छोटी बातों से इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि आप अपने भोजन को औषधि मानकर अगर उसका प्रयोग करें तो आपके शरीर को सभी आवश्यक तत्व मिलते रहें। आपका शरीर जब ठीक प्रकार से काम करेगा, उसे सारे तत्व मिलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। साथियों, इसी कड़ी में मैं छोटी छोटी बातें आपको खाने पीने की बतलाता हूँ, जिसे लोग महत्वहीन समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। साथियों, आपने सहजन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। साथियों, सहजन एक प्रकार का जादुई पौधा है। उसके कितने फायदे हैं अगर वो गिनाए जाएं तो कम है। सब्जी है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप इसकी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इसे मोरिंगा कहते हैं, ड्रमस्टिक और भी इसके स्थानीय भाषा में नाम हो सकते हैं। इसमें सैकड़ों अनगिनत औषधीय गुण हैं। साथियों, इसीलिए ये सेहत का मित्र और बीमारियों का शत्रु कहा जाता है। आपने साथियों सब्जी की दुकान पर या आपने लंबी हरी हरी सहजन की फलियों को देखा होगा, ये सब्जी की दुकान पर उपलब्ध रहती है। इसे सोजने की फली भी या कुछ क्षेत्र में मूंगने की फली भी कहते हैं। सहजन की ये फली केवल बढ़िया स्वाद ही नहीं देती, बल्कि सेहत और आपका जो सौंदर्य है उसके भी बेहतरीन गुणों से भरपूर है। इसलिए साथियों, इसे जादू का पेड़ भी कहा जाता है। साथियों, सहजन, मुनगा या सहजन आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। साथियों, ये औषधीय गुणों का भंडार है। इसके अलग अलग हिस्सों में 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण हैं। साथियों, इसमें 92 तरह के मल्टी विटामिन्स, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण और 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। साथियों, आप इसका इस्तेमाल सब्जी बनाकर आप कर सकते हैं। साथियों, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप इसकी सब्जी बनाने के पहले इसको टुकड़े में काट करके साफ करके इसको थोड़ा पानी में उबालें और इसका जो पानी है उसको सूप की तरह पिएं और बाकी बचा हुआ जो पदार्थ है उसकी आप सब्जी बना लें। साथियों, इसे पानी में अच्छी तरह उबालकर आप इसके पानी को अगर पीते हैं तो ये फायदेमंद रहता है। साथियों, ऐसा कहते हैं और हम जानते भी हैं कि सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। साथियों, सहजन का सूप पीना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा ये बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और कई लवणों से भरपूर होता है। ये मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है। ये सभी तत्व आपके शरीर को, आपके शरीर के पूर्ण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अब साथियों, आप इसका सूप कैसे बनाएं? जैसा मैंने बतलाया, आप इसको साफ कर लें और साफ करने के बाद में इसको टुकड़ों में काट लें और उसमें लगभग 2 कप पानी लेकर इसे धीमी आंच पर थोड़ा सा उबालें और जब पानी उबलने लगे तो इसे छान कर रख लें और उसे सूप की तरह इस्तेमाल करें। आप इसमें नमक या स्वाद के हिसाब से कुछ डाल भी सकते हैं। साथियों, अगर हम इसके लाभ को कुछ बिंदुओं में बांटें तो ये त्वचा पर होने वाली समस्या या त्वचा रोग के लिए सहजन बेहद लाभदायक है, जो आपको त्वचा की समस्याओं से दूर रखकर आपको युवा बनाए रखने में भी मददगार होती है।
साथियों, ये महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत फायदेमंद है। ये महिलाओं की माहवारी संबंधी जो परेशानियां हैं उसके अलावा गर्भाशय की जो समस्याएं हैं उससे भी निजात दिलाता है। सहजन में विटामिन सी का स्तर उच्च होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कई बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। तो अगर बीमारियों को दूर रखना है तो सहजन से अपनी दोस्ती बढ़ाएं। साथियों, सहजन जो है वो सेक्स पावर बढ़ाने में भी मदद करता है। इस मामले में यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद है। पुरुषों में यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और सीमन को गाढ़ा करने में मददगार है। साथियों, बवासीर जैसी समस्याओं का इलाज भी सहजन के पास है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपकी बवासीर और जो आपको कब्ज की समस्या अक्सर होती रहती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वहीं पेट की अन्य बीमारियों के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, अक्सर अस्थमा में ऐसा होता है, तो भी सहजन का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अस्थमा की शिकायत होने पर भी आप सहजन का सूप अगर आप पीते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सर्दी खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में भी किया जाता है। साथियों, सहजन का सूप खून की सफाई करने में भी मददगार है। खून साफ होने की वजह से चेहरे पर भी निखार होता है। सहजन का सूप खून की सफाई करने में मददगार है और इससे आप देखेंगे कि आपके शरीर में अगर आपका खून साफ रहेगा तो आपके शरीर का जो स्किन है वो उसमें ग्लो होने लगेगी। साथियों, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी सहजन के सेवन की अक्सर सलाह दी जाती है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आप सहजन का सेवन कर सकते हैं। सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कई तरीके के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। साथियों, सहजन का सूप आपका जो पाचन तंत्र है उसमें उसको मजबूत बनाने का काम करता है और इसकी जो सब्जी खाते हैं उसमें जो फाइबर्स मौजूद होता है वो आपको कब्ज की समस्या नहीं होने देता। सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी यह तक कट कर निकल जाती है। सहजन को 80 प्रकार के दर्द व 72 प्रकार के वायु विकारों का शमन करने वाला बताया गया। सहजन खाने से, इसकी सब्जी खाने से पुराने गठिया के जोड़ के दर्द और वायु संचय, वात रोग, इनमें लाभ होता है। तो साथियों, आप सहजन का सब्जी का सेवन हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार अवश्य करें यदि आपको बाजार में आसानी से यह उपलब्ध है। साथियों, इसका उपयोग करके आप अनेक प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी विशेष प्रकार की समस्या है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है तो आप 3 या 4 बार से ज़्यादा अधिक बार भी इस सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।